कल रात को यार बहुत ज्यादा थक गए थे हम, वहाँ पहुंच गए अटल टनल, फील आ रहा है क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील हो रहा है। ओवर हो गई गाड़ी गाइस। ऑब्वियसली गाड़ी गिर गई थी। ओके गाइस, सो वी आर जस्ट लीविंग फॉर काजा एंड जस्ट लुक एट दैट व्यू, द माउंटेन्स एंड दे हैव गॉट सम स्नो। सो जा रहे हैं अभी एंड सबसे पहले जाके फ्यूल अप कराना है। फ्यूल है अच्छा खासा पर फुल कराना ज़रूरी है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 11 और टाइम सेट करना है यार डोमिनार में, पता नहीं एकदम से टाइम इसका रीसेट हो गया। एंड यू सी रॉयल एनफील्ड्स एवरीवेयर, वेरी फेमस है यार रॉयल एनफील्ड। लोग रॉयल एनफील्ड में ट्रैवल करना पसंद करते हैं पहाड़ों पे। तो पार्ट वन में आपने कल देखा होगा कि बहुत बढ़िया हम रूट से आए, ज़्यादा अच्छा रोड नहीं था पर कहीं कहीं पे जहाँ पे था अच्छा वहाँ बहुत मज़े करे हमने। एंड उसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो गई थी तो हमने बंद कर दिया था कैमरा मैंने, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते यार गोप्रो का बारिश में। एंड उसके बाद जो सीन हुआ, बारिश कंटिन्यू रही एंड ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था। और ये पेट्रोल पंप लोगों ने मिस कर दिया भाई लोगों ने, तो अभी चलते हैं पेट्रोल पंप। सम मोर राइडर्स, तो दीज आर ऑल रेंटेड मोटरसाइकिल्स, ऑल ऑफ देम। तो कल थी बहुत ही ज़बरदस्त बारिश एंड आज है बहुत ही बढ़िया मौसम, धूप निकल रही है मज़ेदार। एंड अभी चल रहे हैं अच्छे खासे पेस पे, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर पहाड़ यार। ये वाला मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला व्यू तो नहीं है हमारे मसूरी में, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। कल तो थोड़ा ऐसा सा ही था मूड। तो टेम्परेचर यार यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा लगने लग गया है अब, पर अभी इतना अलार्मिंग वाला ठंडा नहीं लग रहा है। अगर लगेगा तो फिर हम कुछ करेंगे जुगाड़ अपने लिए। तो हम पहुँच गए अटल टनल एंड दैट्स द अटल टनल गाइस। वाओ, अब शायद कुछ चेकिंग होगी एंड देन हमें जाने देंगे आगे। सर ने कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला उन्होंने एंड कुछ चेक कर रहे थे। ऑब्वियसली यार चेक करना भी ज़रूरी है, काफ़ी लंबी टनल है। सो दैट्स अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल एंड स्पीड लिमिट इज़ 40। सो लेट्स जस्ट लीव डोमिनार इन फोर्थ गियर। काफ़ी लंबी टनल है, अच्छी खासी लाइट्स लगी हुई हैं। स्पीड लिमिट जस्ट वेंट अप फ्रॉम 40 to 60। अब इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता मुझे पर स्क्रीन में आ गया होगा। सही है, डो नॉट लिटर, ये तो भाई समझ ही नहीं आता लोगों को। जहाँ लिखा होगा डो नॉट लिटर लोग वहीं कूड़ा फेंकते हैं। तो गाइस अभी भी चल रहे हैं एंड अभी भी टनल ख़त्म नहीं हुई है, बहुत लंबी है यार। और अच्छा खासा ना मुझे वो वाला फील आ रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील हो रहा है, सब बंद सा है, डार्क सा है ना। तो फाइनली यार ये है टनल का एंड, काफ़ी लंबा स्ट्रेच था गाइस। बाहर आके मज़ा आ गया एकदम, बेहद खूबसूरत व्यू, दोनों तरफ पहाड़, प्रॉपर वैली व्यू एंड बीच में रिवर। तो गाइस एकदम से हो गया है थोड़ा सा चेंज और रोड से आ गए ऑफ रोड पर। तो भाई सागर भाई ने बताया है अब है पूरा रास्ता ऐसे ही, और यहाँ पर डोमिनार अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आ जाती है, बट लेट्स सी। बॉटल गिरी, बॉटल भाई ने बॉटल गिरा दी
एंड पानी गिर गया है शायद उसमें से, गिर गया यार। पी लो यार इसको, ढक्कन टूट गया इसका, अब ढक्कन टूट गया, पी लो थोड़ा सा पानी। लो भाई, तो है भाई पानी। पकड़ो तो, हेलमेट उतारू मैं भाई, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है यार, मेरे को सैडल नहीं कर पा रहा मैं, है ना। तो बंजी कॉर्ड हमने सही से बांध दिए, अब गाड़ी में अच्छे से मैं खड़ा हो सकूँगा, सैडल हो जाएगा। और बड़े क्यूट से दो डॉगी भी आ गए यहाँ पे, और व्यू इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो अब चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, स्लो स्लो चल रहे हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं जगह, यही है वाटर क्रॉसिंग्स, और अभी तो इन पे पानी कम है बिकॉज बारिश नहीं हो रही है, बट लुक एट दैट व्यू यार, फक मतलब इतना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे कहीं कहीं पर कि मैं एकदम से शांत हो जा रहा हूँ यार, मतलब एक्सट्रीमली मेसमराइजिंग। ओके, सो ये थोड़ी सी बड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग है, एंड यार जूते गीले नहीं करने हैं मुझे, बड़ा गंदा फील होता है जूते जब भीग जाते हैं, बूट्स। तो यार ये वाला वाटरफॉल देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर से फ्लो हो रहा है पानी, और बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल एंड डेंजरस एट द सेम मोमेंट। जाओ शुभम भाई, टू दी ऑनर्स। तो आगे अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग, एंड शुभम भाई इज टेकिंग वन फॉर द टीम। ओहो, और यहाँ पे पिलियन वाले थोड़े से परेशान। छोटे छोटे इश्यूज, शुभम भाई वहाँ जाके खड़े हो गए हैं, गाड़ी पास करा के वीडियो बना रहे हैं बढ़िया सी। भाई की गाड़ी बीच में बंद हो गई, टेंशन वाली बात ये है कि आई एम नेक्स्ट। ऊपर से another one. थोड़े थोड़े से मज़े। तो गाइज ये वाला जो वाटर क्रॉसिंग आप देख रहे हैं ख़तरनाक सा, ये अभी हमने क्रॉस करा, एंड बेसिकली GoPro की बैटरी ने थोड़ा सा दे दिया था जवाब, तो अभी चेंज करी है। एंड वो तो आपने वीडियो देख ही ली होगी कि मेरे साथ क्या हुआ, तो अब मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज़ देता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली मेरी गाड़ी का टायर एकदम से किसी और पत्थर पर लगा, एंड वो राइट साइड चली गई जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, वरना कितना मज़ा आता अगर मैं यहाँ से बिना बैंड नीचे रखे निकाल देता गाड़ी। पर सबका हुआ, सबके साथ हुआ सीन। तो बाकी जो बूट्स हैं उनमें पानी नहीं घुसा, जो कि बहुत अच्छी बात है, BBG काफ रेसिंग बूट्स। बाकी सबके पानी घुस गया है बूट्स में, मेरे नहीं घुसा है। A few moments later. Five minutes later. दिख रहा है गाइस,
तो ऑब्वियसली गाड़ी गिर गई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वाटर क्रॉसिंग आई दोबारा से, तो पहले शुभम भाई ने क्रॉस करा एंड उसके बाद मैं क्रॉस करा था। वाटर क्रॉसिंग बहुत प्यार से क्रॉस हो गई थी, पर वाटर क्रॉसिंग के बाद था एक इनक्लाइन जिसमें बड़े पत्थर निकले हुए थे और वही डोमिनार की बेली पैन की दिक्कत। तो हल्के जाते हुए पत्थर क्रॉस करते हुए पत्थर सरक गया एंड फिर मैं गाड़ी से सरक गया। और वैसे ये सब जो भी हुआ ये हुआ स्टैंडिंग पेस पे। अब गाड़ी गिर गई है, वैसे कुछ मैकेनिकली नुकसान नहीं हुआ गाड़ी में, एस्थेटिकली तो हो गया ऑब्वियसली, इसमें क्रैक आ गया एंड इसके पार्ट्स में उठा के ले आया हूँ क्योंकि मैं पूरे रास्ते में इसको ऐसे चलाऊँगा ना तो ये मेरे दिल पे दर्द देता रहेगा ऐसे, और ये तो मैं निकाल दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी गाड़ी में वैसे कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, और हाँ जो गाड़ी के स्टॉक गार्ड्स हैं उन्हें गाड़ी को वैसे भी बचा लिया था गार्ड सागर भाई ने, बढ़िया सी ऐसे कामे आमे हाँ वाली लात मार के सीधा कर दिया था, तो वो सीधा हो गया है एंड लीवर बच गया है गाड़ी में और कहीं कुछ लगा नहीं। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस काफ़ी देर से राइड कर रहे हैं अभी भी एंड अब आ गए हैं ये सैंड ड्यून्स जैसे पहाड़। बहुत देर से हम ऐसे ही ऑफ रोड कर रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग्स क्रॉस कर रहे हैं। फिलहाल सही बात या मज़े की बात ये है कि गाड़ी में नुकसान मेरा हुआ है पर मेरे जूते सूखे हुए हैं। बाकी सबके शूज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं। दैट्स वन ऑन देम एंड वन ऑन मी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके सो हो गए 10,000 किलोमीटर्स एट अ वेरी ऑस्पिशियस प्लेस स्पिति, एंड नॉट स्पिति बट ऑन द वे टू स्पिति। एंड बाइक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी एंड ये हुआ नुकसान, ये टूट गया है, इसे निकालना पड़ेगा। ये तो चलो कोई बात नहीं, एंड बाकी सब बच गया था, गार्ड ने बचा लिया, ये लूज़ हो गया इसे टाइट कर देंगे, काम चल जाएगा फिलहाल। एंड दैट गियर लीवर हैज़ टू बी स्ट्रेटन्ड अप एंड ये। तो मेरे हिसाब से टूर पर इतना नुकसान अगर हो रहा है गलती से तो कोई बात नहीं है, बाकी इसको भी चिपकाएंगे। और ये पीस मैं बेचारा संभाल के ला रहा हूँ इसको, तो इसको भी फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेरे पॉकेट में भी है। और ये है शुभम भाई की गाड़ी डोमिनार्स। तो अब चलते हैं आगे, आगे कुछ तो दिख रहा है रुकने की जगह, एंड सागर भाई और अदनान भाई भी आगे चले गए तो वहाँ चलते हैं। व्यू देखिए, बर्फीले पहाड़, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, बस अब चल रहे हैं। मिट्टी लगी हुई तो भाई तो चुस्की मार रहे पानी की। हम पहुंच गए चाचा चाची ढाबे के पास, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हाँ जी सागर भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था। अगर मैं गिरा नहीं होता तो मैं दिल से खुश होता बहुत ज़्यादा, पर अभी भी खुश हूँ भाई। आप तो सिर्फ बाइक से बाइक गिरी, आप भी नहीं गिरे। हाँ मैं तो नज़रों से गिर गया भाई। अरे बाइक ने धोखा दे दिया। कोई बात नहीं भाई, You don't own this bike. This bike owns you. I had written once it on my story that this motorcycle owns me. And during our visit in 2016, we had put a sticker there. Dehradun Motorheads. Hai abhi bhi? Abhi upset. अच्छा सागर भाई, अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है? यहाँ से हम लोग जाएंगे अब लाहौल, लाहौल से हम लोग निकलेंगे फिर काजा के लिए। लाहौल कितना दूर होगा? लोसर जाएंगे। अच्छा ये कौन सी जगह है? ये है बातल। अच्छा बातल एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर दिस क्या बोलते हैं कोल्ड विंडी एनवायरनमेंट। ये वाला जहाँ पेड़ दिखे, यहाँ पे कहीं पेड़ नहीं है ना? नहीं अभी यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ो। नहीं सांसें फूल जाएंगी गाइस, नहीं दौड़ना है। तो सागर भाई थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे थे एंड अब हम करेंगे थोड़ी थोड़ी अपनी बाइक रिपेयर। ये चिपकाना है यार, बड़ा ऑड लग रहा है। कड़ी चावल एंड दाल। ओके सो गाइस, हमने वहाँ पे रेस्ट कर लिया, खाना खा लिया, बहुत बढ़िया खाना था, मतलब काफ़ी अच्छी
काफ़ी अच्छा होलसम एनवायरनमेंट एंड काफ़ी मैंने सुना था कि चाचा चाची का ढाबा जो है मस्ट विजिट है अगर स्पीति आप जा रहे हैं। एकदम ऐसे रख रहे थे यार जैसे घर में रहते हैं ना और ऐसा ही होना भी चाहिए क्योंकि बंदा अगर थकार के आ रहा है बिल्कुल टूट के थकान में चूर तो एकदम से एनलाइटन हो जाता है मूड। बाकी अभी 30 something kilometers हमें ऑफ रोड झेलना पड़ेगा, नहीं शायद 22 kilometers झेलना पड़ेगा ऑफ रोड, वो चाचा जी बोल रहे थे। एंड उसके बाद जो है पक्की रोड है। ये वाला व्यू देखो यार नीचे जा रही है रिवर एंड एक वो भी ऊपर से आ रही है एंड सामने है माउंटेन्स एंड दिस शेड रोड अगेन एंड बाकी सब पीछे आ रहे हैं। यही तो है यार, इसी व्यू के लिए तो हम ट्रैवल कर रहे हैं इतना। इस व्यू में एक सुकून भी है, थक के चूर हो रखे हैं पर यार ये व्यू जो है ना, बस इसी व्यू के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं इतना। और अभी तो और अच्छे व्यूज आएंगे जब हम स्पीति पहुंच जाएंगे। और वो देखो भाई लोग आ रहे हैं, और ठंड बढ़ गई थी तो हमने विंटर लाइनर्स हमने अपने अपने पहन लिए, मैंने ऊपर से रेन सूट पहन लिया है तो ठंड नहीं लग रही है, अच्छी खासी गर्मी हो गई है। और व्यू देखो सामने, कलर देखो यार स्काई का, वाओ। गाइस पक्की रोड आ गई है एंड अचानक से ऐसा लग रहा है गाड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है तब से 30-40, 30-40, 25-30 ऐसे चल रहे थे हम, पर अभी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में क्योंकि भाई साहब डर गया मैं।